हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है जिससे हम ह्यूमंस को बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। और आज से 70 साल पहले मेडिकल साइंस में एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंट किया गया जो हार्ट को आर्टिफिशियल तरीके से धड़का सकता है। वैसे सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी के गैजेट के जैसा लग रहा है। इसका नाम है पेसमेकर। इसका इन्वेंट हुआ उसको तो आज से 70 साल हो गए, लेकिन आज भी कई सारे लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे इस वीडियो से पहले क्या आपको भी पता था कि ऐसा भी कोई डिवाइस है जो हार्ट को आर्टिफिशियल तरीके से धड़का सकता है? अगर पता हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हार्ट को आर्टिफिशियल तरीके से धड़का सकता है। तो आइए जानते हैं पेसमेकर के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी दिल को आर्टिफिशियल तरीके से धड़काया जा सकता है। वैसे पेसमेकर का काम किसी भी हार्ट को नॉर्मल स्पीड से धड़काना है या किसी हार्ट रेट को नॉर्मल रखना है। कई बार मरीज को दिल की बीमारी होती है या किसी और रीजन से हार्ट की धड़कने की स्पीड धीमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा ठंड होने पर दिल धड़कना बंद कर देता है। इसीलिए पेसमेकर की मदद से दिल को दोबारा धड़काया जा सकता है और उसकी स्पीड को नॉर्मल किया जा सकता है। पेसमेकर का इन्वेंट एक कैनेडियन वैज्ञानिक जॉन होप्स ने 1950 में किया था। जॉन होप्स ने अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से पूरी की जब वो 21 साल के थे, और 1947 में उन्होंने नेशनल रिसर्च काउंसिल के साथ काम करना शुरू किया। 1949 में होप्स ने हाइपोथर्मिया पर रिसर्च करने लगे, जहां उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के बारे में काम किया, और उन्होंने पाया कि ज़्यादा ठंड के दौरान दिल धड़कना बंद कर देता है और उसे आर्टिफिशियल तरीके से दोबारा धड़काया जा सकता है। 1950 में पेसमेकर को बनाने के पीछे जॉन होप का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन पेसमेकर को ह्यूमन बॉडी के अंदर सही तरीके से फिट करने में काफ़ी दिक्कत थी क्योंकि उसका साइज काफ़ी बड़ा था। सबसे पहला पेसमेकर का यूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक कुत्ते के ऊपर किया गया था। बाद में पेसमेकर के ऊपर और काम किया गया और उसका साइज भी कम किया गया, और 1958 में पहली बार मानव शरीर में ये पेसमेकर लगाया गया। 1984 में जब होप्स खुद एक हार्ट के मरीज बने तब उन्होंने भी पेसमेकर लगवाया, और इसके 13 साल बाद फिर से सर्जरी की मदद से पेसमेकर को बदलवा लिया। हर साल लगभग लाखों लोग पेसमेकर लगवाते हैं और हमारे प्यारे भारत में इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए के आसपास है। पेसमेकर के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहें तो होमस्टेड चैनल को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। पेसमेकर का पहला फैक्ट ये है कि जिनके हार्ट में ये पेसमेकर लगाया जाता है उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से एक आईडी कार्ड दिया जाता है जो उन्हें ट्रैवलिंग करते समय या उन जगहों पर जाते समय जहां मेटल डिटेक्टर मौजूद है, इस सिचुएशन में उनके पास एक मेडिकल आईडी कार्ड होना जरूरी है ताकि वो मेटल डिटेक्टर को बाईपास कर सके। क्योंकि अगर मेटल डिटेक्टर यहाँ पे पेसमेकर पर घूमता है तो उससे मरीज को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। पेसमेकर का दूसरा फैक्ट ये है कि 2016 तक ये अनुमान लगाया गया था कि ग्लोबल स्केल पर लगभग 14 लाख पेसमेकर थे, और वर्ष 2023 तक ये नंबर बढ़कर 1.43 करोड़ यूनिट होने की उम्मीद है। और एक अनुमान के हिसाब से 15 लाख अमरीकी लोगों के हार्ट में पेसमेकर लगाया हुआ है। अमरीका में इसकी कीमत लगभग $25,000 है, यानी कि 17 लाख के ऊपर हो गए। पेसमेकर का तीसरा फैक्ट ये है कि दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद भी रिसेंट टाइम में दुनिया में सिर्फ 3 ही बड़ी मेजर कंपनी है जो पेसमेकर बनाती है, जिनके नाम है मेट्रोनिक इंक, सेंट जूड मेडिकल इंक और बोस्टन साइंटिफिक कॉर्प। पेसमेकर का चौथा और आखिरी फैक्ट ये है कि आप में से कई लोग ये वीडियो देखते समय ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको भी ये पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है क्या? तो आप सभी टेंशन ना ले, पेसमेकर की ज़रूरत ज़्यादातर 65 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ही पड़ती है क्योंकि तब उनका शरीर कमज़ोर हो गया होता है। तो दोस्तों बस आज की इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।